नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं नीरज अग्निहोत्री एक बार फिर आपके सामने लेकर आया हूँ ऊर्ध्व तिरभ्याम मेथड का अगला वीडियो, जिसमें हम बात करेंगे हायर डिजिट्स को कैसे मल्टीप्लाई करना है उसके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। हमने लास्ट क्लास में देखा था कि दो डिजिट यदि हैं तो हमें ऊर्ध्व तिरभ्याम से उसे कैसे सॉल्व करना है। अब इस वीडियो में मैं आपको यदि तीन डिजिट्स हैं तो उन्हें कैसे मल्टीप्लाई करें ऊर्ध्व तिरक मेथड से उसके बारे में बताऊंगा। बहुत ही सरल विधि है, स्टेप्स को फॉलो करने हैं बस हमें, और क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। चले देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। स्टार्ट हम इजी क्वेश्चन से ही करते हैं, आपको हमेशा देखा होगा आपने, तो ले लेते हैं पहला क्वेश्चन। 1 2 3 इंटू 2 2 4, ये मैंने एक क्वेश्चन लिया है, बड़ा ही इजी सा क्वेश्चन है। चले अब लास्ट वीडियो में आप लोगों को याद होगा मैंने ये बोला था कि जितने डिजिट्स हैं उससे एक ज़्यादा स्टेप होता है, वहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा, थोड़ी सी गलती हो गई थी मुझसे। चले तो यहाँ पर देख लेते हैं स्टेप वाइज हमें करना है क्वेश्चन। पहला स्टेप क्या रहेगा हमारा? ऊर्ध्व। और हमने पहले ही मैंने बताया था आपको कि स्टेप्स हमें कहाँ से स्टार्ट करने हैं, जो यूनिट प्लेस का नंबर है वहाँ से, यानी कि 3 4। तो 3 × 4, सॉरी कोई ऐड नहीं होगा यहाँ पे, 3 × 4 दैट इज 12। तो 12 के लिए 2 इधर और कैरी 1 अगले स्टेप के लिए। चल अगला स्टेप जो है वो देखिए, ध्यान से देखिएगा, अगला स्टेप हमारा होगा 2 4 प्लस 3 2, और इनको मल्टीप्लाई करके हमें करना है प्लस। 2 4 8, 3 2 6, और 8 और 6 कितना हुआ? 14। अब देखिए कैरी पहले से है 1, तो 14 + 1 = 15, अगेन कैरी 1। ठीक है, चलिए आ जाते हैं हम थर्ड स्टेप की तरफ। अब देखिए थर्ड स्टेप में क्या है, थर्ड स्टेप बिल्कुल न्यू है यहाँ पर। क्यों? क्योंकि हमने देखिए ऊर्ध्व देख लिया, हमने तिर्यक देख लिया, अब अगला जो स्टेप है वो ऊर्ध्व प्लस तिर्यक दोनों को मिक्स करके बना हुआ है। ठीक है, अच्छा देखें, अब ये भी आपको ध्यान से देखना है, यहाँ पर ऊर्ध्व प्लस तिर्यक प्लस ऊर्ध्व, ये आपको बहुत अच्छे से समझना है कि ये मैंने जो तीन तीन चीज़ें लिखी हैं भाई वो कैसे आएगा। तो देखिए यहाँ पर बिल्कुल कोने के जो डिजिट्स हैं, यानी कि 4 1 1 4, फिर ये तिर्यक, चले पहले अपन लास्ट वाले के बारे में बात कर लेते हैं, ये भी तिर्यक है, यहाँ पर भी लास्ट के डिजिट्स, जैसे यहाँ पर मैंने 1 4 लिया है कोने के, ऐसे यहाँ पर भी कोने के 3 2 हो गया। अब ये देखिए सीधा ऊर्ध्व वाला बचा हुआ है, तो डिजिट्स कौन से बचे हुए हैं? 2 2, यहाँ लिख लीजिए, और इनको मल्टीप्लाई करके प्लस करना है बस हमें, है ना, बहुत ही इजी है, बस हमें ध्यान रखना है कि भाई कौन सा स्टेप है, हम कैसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 4 1 4 प्लस 2 2 4 प्लस 3 2 6, आपने ऐड किया कितना हुआ? 8 + 6 = 14, एंड 14 + 1 अगेन 15, एंड कैरी अगेन 1। देखिए हमने यहाँ से स्टार्ट किया था ऊर्ध्व तिर्यक, फिर ऊर्ध्व प्लस तिर्यक दोनों हो गए। अब देखिए अब ये जो डिजिट है ये छूट जाएगी, क्यों? क्योंकि हमने इस 3 और 4 का यूज़ जो है वो 3 times कर लिया है, 1 2 3, यानी ये स्टेप छूट जाएगा, ये डिजिट छूट जाएंगे। अब हम यहाँ पर ये जो दो बचे हुए हैं उनके बारे में बात करेंगे बस, है ना। तो देखिए अब फिर से हम फोर्थ स्टेप में रिवर्स गियर ले लेते हैं, मतलब फिर से यहाँ इसके जैसे, मतलब 1 2 प्लस 2, मैं लिख दूं डिजिट 1 2 2 2, चले मल्टीप्लाई कर लें हम, 2 1 2 प्लस 2 2 4 एंड 2 + 4 = 6, और यहाँ पर 6 + 1 = 7,
लास्ट स्टेप, लास्ट स्टेप हमारा क्या बचा, रिवर्स गियर। मैंने बोला कि रिवर्स गियर मारना है हमें, मतलब यहाँ से यहाँ फिर यहाँ से यहाँ, मतलब इसको भी छोड़ दें हम, तो बचा क्या, वन और टू। तो वन और टू कैसे हैं, ये तो ऊर्ध में रखे हुए हैं, यानी कि हमें केवल इनको सीधा मल्टीप्लाई कर दें, तो टू वन ज़ा टू, यानी कि आंसर हमारा है 27552। ये रहा आंसर। अब क्या सही है, तो इसके लिए हमें चेक करना पड़ता है, आपको मालूम है 27552। अब मैं कर लेता हूँ इसे चेक, चेक करना बहुत ज़रूरी है, आपको भी पता है 1 + 2 + 3 = 6, ठीक है, 2 + 2 + 4 = 8। अब वही मल्टीप्लाई, 6 × 8 = 48, दैट मीन्स 4 + 8 = 12, एंड 12 दैट मीन्स 1 + 2 = 3। लिख देता हूँ ये, अब आंसर में भी वही 3 आना चाहिए, आता है तो सही है, नहीं आता तो गलत है, ठीक है। चलो देख लें, 2 + 7 = 9, अब 9 तो भाई ब्रह्मांक है, यानी मैं इसे छोड़ दूँ, तो बचा क्या, 5 + 5 = 10, 10 + 2 = 12, एंड 12 मीन्स 1 + 2 = 3। ये लीजिए, मैच कर रहा है ना, मतलब हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। स्टेप्स थोड़ा सा आप ध्यान रखें, क्योंकि स्टेप्स में ही कंफ्यूजन होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, फोर थ्री सिक्स इंटू फाइव फोर एट, बड़े डिजिट्स लिए हैं मैंने, जिससे जो है हम जल्दी से जल्दी टफ नंबर्स को भी सीख पाएँ, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप हमें मालूम है कि ऊर्ध्व रहने वाला है, और स्टार्टिंग कहाँ से होगी, इधर से, यानी ये हो गया 6 8, एंड 6 × 8 = 48, और 48 का हमने यहाँ 8 लिखा, और कैरी कितना चला गया, 4। सेकेंड स्टेप, बहुत ध्यान से देखिएगा स्टेप्स, ऊर्ध्व हो गया, तिर्यक में आए हम, यानी यहाँ पे, ठीक है ना, 3 × 8 + 6 × 4, तो 3 × 8 = 24, एंड 6 × 4 = 24, एंड 24 + 24 = 48। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 48, एंड 48 + 4 = 52, 2 लिखा मैंने, 5 कैरी। थर्ड स्टेप नया है, इसको बस ध्यान से देखें आप, इसमें थर्ड स्टेप मैंने बोला कि ऊर्ध्व और तिर्यक दोनों को मिक्स कर देना है, तो ऊर्ध्व में क्या रहेगा, ऊर्ध्व में रहेंगे कोने के नंबर, ठीक है ना, यानी ये प्लस ऊर्ध्व प्लस फिर से ये मैंने बना दिया है। अब यहाँ पे नंबर्स कौन कौन से आएंगे, किन किन का मल्टीप्लाई करना है, तो कोने के नंबर्स लेना है मुझे, यानी कि 8 4, फिर यहाँ पे 6 5, और बचा क्या, 3 4, तो ये यहाँ पे रख लेते हैं और इनका कर देते हैं मल्टीप्लाई, तो देखिए क्या आता है, 4 8 = 32 + 3 4 = 12 + 6 5 = 30, ठीक है, और हम इन्हें कर लेते हैं ऐड। तो देखिए 32 + 12 = 44 44 + 30 = 74 74 + 5 = 79 79 के लिए 9 लिखा हमने, और 7 जो है वो कैरी आ गई। अब मुझे क्या करना है अगला स्टेप, तो मुझे अगला स्टेप जो है रिवर्स गियर मार देना है, यानी कि थर्ड से सीधे जो सेकंड वाला था उसमें आ जाना है, बट चेंज कहाँ होगा, हम यूनिट प्लेस को छोड़ देंगे हम, ठीक, ध्यान रखना है आपको ये चीज। तो फोर्थ स्टेप हमारा होगा 4 4 + 3 × 5, ठीक है ना, ऐड कर लें, 4 4 = 16 + 3 5 = 15, एंड 16 + 15 = 31, 31 + 7 = 38, एंड कैरी 3, करेक्ट है।
फिर से हमने रिवर्स किया अपने आप को, यानी सेकेंड से वन में आ गए हम, मतलब ऊर्ध्व। तो ऊर्ध्व के लिए क्या बचा, 4 5, तो ये मैंने लिख दिया भाई 4 5, एंड 4 5 जा 20, ठीक है ना, 20 वहाँ पर और 3 कैरी, तो आंसर आ गया 2 3, मतलब हमारा जो टोटल आंसर है वो है 2 3 8 9 2 8, ये लीजिए ये आंसर है। अब क्या सही है, देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, गलत होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सही होगा तो सही होगा ये, ठीक है। चल यहाँ पे प्लस करें, पहले 6 प्लस 3 9, ये लीजिए यहीं पे ख़त्म हो गया वो, क्योंकि 9 ब्रह्मांक मिल गया हमें, तो बचा क्या 4, ये लीजिए मैंने लिख दिया। फिर अगला 5 प्लस 4 9, यहाँ पे फिर ब्रह्मांक मिल गया, मैंने फिर उसे छोड़ दिया, बचा है 8, ये लीजिए। अब इनका मल्टीप्लाई, 4 8 32, दैट मीन्स 3 प्लस 2 5, ओके। चलें आंसर की तरफ ध्यान दे दें आप, प्लस करके देख लें, 2 प्लस 3 5, ठीक है ना, 5 हो गया। अब देखिए यहाँ पे 9 को हम छोड़ देते हैं क्योंकि ब्रह्मांक है, बाकी इनको ऐड करें, 8 प्लस 2 10, 10 प्लस 8 18, और 18 क्या होता है, 8 प्लस 1 9, यानी कि ये तीनों डिजिट्स को भी हम छोड़ दें, ठीक है ना, तीनों डिजिट्स को क्या कर दें हम, छोड़ दें, क्योंकि इनसे भी ब्रह्मांक मिल रहा है हमें, ये देखिए तीनों को, तीनों को ऐड करेंगे आप, 8 प्लस 2 10, 10 प्लस 8 18, 18 दैट मीन्स 8 प्लस 1 9, वो भी छोड़ दीजिए, बचा कितना 2 प्लस 3 5, ये लीजिए। इसका मतलब हमारा आंसर कैसा है, बिल्कुल सही है, बहुत ही इजी मेथड है, बस हमें फोकस अपना इन स्टेप्स पर रखना है, आपको बिल्कुल भी बार बार वही मल्टीप्लाई करके ऐड कर वो सब चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यदि आपकी स्पीड अच्छी है तो आप बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, विद इन 10 to 15 seconds 3 steps वाला क्वेश्चन आप कर सकते हैं। चलें अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पर मेन जो ध्यान रखने की बात है वो स्टेप्स की है, तो स्टेप्स आप अच्छे से ध्यान रखेंगे, मुझे पूरी आशा है। चलिए लास्ट अगला क्वेश्चन, 9 7 3 × 7 8 5, ये लीजिए, थोड़ा और बड़ा किया हमने अपने क्वेश्चन के लेवल को। फर्स्ट स्टेप, अब मैं स्टेप नहीं लिख रहा हूँ, आपको समझ में आ गया होगा, तो फर्स्ट स्टेप क्या है हमारा, 3 × 5, है ना, मैं यही बना देता हूँ जिससे हमें कन्फ्यूज़न ना हो, ये लीजिए 3 × 5, दैट मीन्स 15 कैरी 1, ठीक है ना। चले इसको रफ कर देता हूँ, अगला क्या होगा, 7 × 5 एंड 8 × 3, ओके, 7 5 जा 35 एंड 8 3 जा 24, 35 प्लस 24 59, एंड 59 प्लस 1 60 0 और 6 कैरी, ओके। चलिए थर्ड स्टेप में मैंने क्या बताया था, ध्यान होगा आपको, ये जो कोने के नंबर हैं, बिल्कुल ये कोने के नंबर, इनको ले लीजिए, पेन चेंज कर लें जिससे आपको कन्फ्यूज़न ना हो, ये है ना, ये कोने के नंबर्स। और एक और स्टेप बचा है जिसमें हम ये ऊर्ध्व तरीके से करेंगे इसको, ठीक है। चले लिख लेते हैं हम, तो 9 5 जा 45, 7 3 जा 21 प्लस 7 8 जा 56, ये मिला है हमें, ओके। चले इन्हें ऐड कर लेते हैं, तो देखिए 45 प्लस 56 101 101 प्लस 21 122, 122 अभी कैरी 6 बाकी है, यानी 122 प्लस 6 128, 128 के लिए हमने लिखा 8 और 12 जो है वो कैरी आ गई, ठीक है। चल अब देखिए यहाँ पे मैं रफ कर देता हूँ, अब मैं फोर्थ स्टेप दैट मीन्स कि मैंने भाई लगा लिया है रिवर्स गियर, और रिवर्स गियर का मतलब आप समझ गए होंगे कि रिवर्स गियर में मुझे करना क्या है, ये छोड़ देना है ये लास्ट का डिजिट, और यहाँ पर आ जाना है मुझे ये वाला रिवर्स गियर, यानी कि तिर्यक वाला, ठीक है। तो क्या मिला मुझे, 9 8 जा 72 एंड 7 7 जा 40
9 और इन्हें जब हम ऐड करेंगे तो 72 प्लस 49 होता है 121 एंड 121 इन्हें ऐड करने पर आया और 12 और ऐड करना है तो 121 प्लस 12 किया तो 133 यानी 13 की 133 में 3 यहाँ लिखा और 13 जो है वो हासिल आ गई। अब भाई लास्ट स्टेप एक और रिवर्स गियर यानी कि ऊर्ध्व वाला स्टेप है ना, मतलब ये वाला। तो भाई 9 7 कितना होता है, 9 7 होता है 63, 9 7 63 और 63 प्लस 13 जो कैरी है 76, मतलब आंसर कितना आया 763805। ये है हमारा आंसर। अब ये आंसर सही है या नहीं है देख लेते हैं, चेक कर लें हम। 9 ब्रह्म अंक है छोड़ दीजिए, 7 प्लस 3 10, 10 दैट मीन्स 1 प्लस 0 1, ठीक है। इधर देखें हम 7 प्लस 8 15, 15 प्लस 5 20, 20 दैट मीन्स 2 प्लस 0 2, ओके। अभी क्या है कट रहा है मल्टीप्लाई, तो 2 1 2, ये लीजिए। अब हमें आंसर चेक करना पड़ेगा, आंसर का भी जांक निकालना पड़ेगा, वो भी 2 आना चाहिए। चल ठीक है कर लेते हैं। देखिए 6 प्लस 3 9 यानी कि छोड़ दीजिए, है ना, क्यों, क्योंकि वो ब्रह्मांक आ रहा है। फिर देखिए 7 प्लस 8 15, 15 प्लस 5 20 और 20 मतलब 2 प्लस 0 2, ये देखिए मैच कर रहा है, क्योंकि ये मैच कर रहा है इसलिए हमारा आंसर बिल्कुल सही है। तो ये जो था, ये 3 डिजिट को हम कैसे मल्टीप्लाई करें, कैसे स्टेप्स रहना चाहिए, ये मैंने आपको समझाया। बहुत ध्यान से मेथड्स जो है आप देखें समझें, क्योंकि शुरुआत में हमें कठिन लगती है ये चीज़ें, लेकिन बहुत ही सरल है। मैं इसलिए आपके सामने ये लेकर आ रहा हूँ क्योंकि हमारे जो है हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई चीज़ है, और यदि हम इसे सीखते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपनी संस्कृति को बढ़ावा देते हैं। हमारी भारतीय संस्कृति जो कि विश्व में सबसे कहना चाहिए बेस्ट है, यदि हम उसे ही नहीं सीखते हैं तो फिर हमने क्या सीखा। तो इस चीज़ को ध्यान दें, और बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक्स है ये आप जब सीख जाएंगे तो आपको खुद समझ आएगा, क्योंकि मैं बचपन से ये चीज़ें पढ़ रहा हूँ, सीख रहा हूँ, अप्लाई किया है मैंने अपने मैथमेटिक्स में, तो मुझे मालूम है कि कितना फास्ट है। तो आप भी कोशिश करें, आप भी सीखें। तो इसी आशा के साथ जो है मैं आज के वीडियो को विराम देता हूँ, और अगली वीडियोज़ में और भी अच्छी सी ट्रिक्स मैं लेके आऊँगा आपके सामने वैदिक गणित की। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।